नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए नवजोत सिंह सिद्धू, आमिर खान, सुनील गावस्कर और कपिल देव को न्योता दिया है। इस न्योते को नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वीकार कर लिया है। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर योगी सरकार 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकती है। सरकारी बंगले में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को सीएम दफ्तर भेज दिया है। बिहार के मुंगेर इलाके में 44 फीट गहरे बोरवेल से 3 साल की सना को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद इस अभियान को सफल बनाया और 30 घंटे के बाद इस बच्ची को बाहर निकाला जा सका। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान को मारपीट के एक मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में विधायक को 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये मारपीट का मामला साल 2016 का है। दिल्ली के सराय कालेखां इलाके में आज सुबह पुलिस और एक बदमाश के बीच इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में सद्दाम नाम का अपराधी घायल हो गया है। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।